एक बार और एक बार होली मुबारक हो बोल देते हैं। अच्छा होली मुबारक हो, 1 2 3 होली मुबारक हो। That's so nice. क्या कहना चाहेंगे सर, कितना एंजॉय कर रहे हैं आज इस बार होली? देखिए हम तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। भाई जा रहे हो क्या? खास तौर से मैं बम्बई की होली को बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई रंगबाजी जबरदस्ती की नहीं है। आपको मन हो आप रंग लगाइए, आपको मन हो रंग लगाइए। लेकिन थोड़ा सा अभी एक व्यवधान उत्पन्न हुआ, उससे मुझे थोड़ा सा खेद है कि पुलिस वालों ने आके यहाँ पर हमारे शो को, हमारे इस रंगारंग कार्यक्रम को रोक दिया। उनका कहना था कि हम लाउडस्पीकर नहीं बजा रहे हैं, हमको लाउडस्पीकर नहीं बजाना चाहिए। अब भाई साल का एक दिन, साल के सिर्फ एक दिन भी अगर आदमी को खुश होने का, अपनी तरफ से जीने का मौका नहीं मिलेगा तो कब जिएगा? उसमें भी पुलिस हस्तक्षेप करेगी, उसमें भी शासन हस्तक्षेप करेगा। मैं किसी धर्म को या किसी जात को बीच में नहीं लाना चाहता, लेकिन फिर भी ये देखने की बात है कि सिर्फ हम लोग कभी कोई त्यौहार मनाते हैं तो उसके ऊपर तरह तरह के ऑब्जेक्शन आ जाते हैं कि भाई ये मत कीजिए या वो मत कीजिए या वो मत कीजिए। ये क्या तरीका है? हम अपने देश में अपने त्यौहार को अच्छी तरह से नहीं मना सकते? अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर मैं क्या कहूँ अपने लिए, और क्या कहूँ शासन के लिए, और क्या कहूँ मैं देशवासियों के लिए? बहुत तकलीफ हुई। साल हम एक शराफत से सूखे रंगों के साथ बगैर किसी अश्लीलता के होली बना रहे हैं, खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, उसमें भी लोगों को एतराज है। और एक इंडस्ट्रियल एरिया में कहते हैं कि ऑब्जेक्शन आया है, इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ की कोई रेजिडेंशियल किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ भी ऑब्जेक्शन आ रहा है। मेरी समझ के बाहर ये चीज। फिर भी चलिए देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। मैं अपने प्यारे देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उनका जीवन, आगामी जीवन, उनके परिवार का जीवन, उनके परिवार का आगामी जीवन अच्छी तरह से ऐसे ही रंग खेलते हुए रंग बिरंगा हो, ये मेरी शुभकामनाएं। अब उसमें अगर आपको छुहारे खाने हो तो हमारे पास आइए, वरना पूछने से क्या फायदा? सही बात है। आप बहुत अच्छा, बहुत अच्छी, और मेरे ख्याल से मेरे जीवन के अच्छे रूल्स में से एक है वो, और मैंने उसको करते हुए भी बहुत एंजॉय किया। मैं डायरेक्टर को भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं और पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत अच्छी फिल्म बनाई हुई। बिल्कुल, मैं भी सर, मेरा भी यही हाल है। मतलब मैं खुद तनिमा श्रृंगारदान करने के बाद श्रृंगारदान के पूरे यूनिट का मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ कि आ जाए और अमर जी, श्रद्धा सब मिलके, साथ मिलके, मतलब अपना दीपक जी, फाल्गुनी मैम, सब आ जाए और जल्दी जल्दी हम लोग वेटिंग बिकॉज देर ऑन द वे। सो प्लीज़ बी विथ अस एंड हैप्पी होली। आप बताइए। होली बहुत बहुत ही हर्षोल्लास उल्लास से मनाया जाता है। हम लोग तो खैर उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा होली का त्यौहार होता है। बहुत हम लोग इससे ज़्यादा अभी तक बचपन से लेकर अब तक मैंने हर होली को बहुत अच्छी तरह एंजॉय किया है। और अब की बार पहली बार मैं फर्स्ट टाइम मैंने महाराष्ट्र में, मुंबई में, मैंने सोचा कि अब की बार होली मनाई जाए। मैं अपने साथ परिवार के साथ यहाँ पर आया हुआ हूँ। यहाँ पर फिल्मी, यहाँ पर बहुत यहाँ पर मुंबई में बहुत फिल्मी स्टार्स, अपने अपने बहुत ही हम अजीज़ लोग, आप बंगाल से हैं, इनका जो भी है अपना यहाँ उन्होंने हमारे एंड इन लोगों ने कभी हमारी फिल्म में करी है साइज मैटर्स। आप एक्टर एक्ट्रेस हैं, आपसे पूछिए कैसा होली का त्यौहार रहा, कैसा है? इट वाज ग्रेट, इट्स सॉरी लेट मी जस्ट दस्ट दिस ऑफ, इट वाज गुड। आई हैड अ लॉट ऑफ फन, आई हैड फन वर्किंग विद रिजू, एंड इट वाज फुल ऑन कॉमेडी। तो व्हाइल एक्टिंग इट आउट टू, वी वर ट्राइंग टू होल्ड बैक लाफिंग, बट इट वाज फन, इट वाज फन, दैट वाज गुड फन, एंड And it was a great experience. It was my first work in Mumbai, and ये भी मेरी पहली होली है महाराष्ट्र में, मुंबई में. So I'm missing my Kolkata guys, but then yeah, I'm having kala time and having fun here. So sir bhi hai, so we are having all good time here. Thank you. Thank you very much. Happy Holi. Happy Holi to everyone.